हाउ आर यू, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे हैं। भगवान अल्लाह खुदा वाहेगुरु जीसस क्राइस्ट के आगे ये दुआ करते हैं कि वो हम सबको अच्छा रखे। आज फिर हाजिर है हम एक नए अंदाज में। ममता, आईने में अपना चेहरा देख के अपनी सुंदरता पे इतराती है और मन ही मन सोचती है कि उसकी माँ भी उसके तरह अपनी सुंदरता का देखभाल क्यों नहीं करती। उसकी माँ उसको बहुत पुराने ज़माने की लगती है, वही साड़ी, वही ब्लाउज, वही चेहरों में झुर्रियाँ, हाथ सब्जी काट काट के ड्राई हो चुके होते हैं, पर घर में एक प्यार मोहब्बत का माहौल है। जब भी ममता अपने टू व्हीलर से स्कूल जाती है तो उसकी माँ दौड़ के आके एक बहुत सुंदर हंसी मुस्कान देके हाथ उठा के उसे गुड बाय करती है। बाय बाय। ममता स्कूल चली जाती है। ममता को स्कूल में अपनी माँ का अनपढ़ होना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक शहर के सबसे बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ती है। उसकी माँ बाप की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के खातिर अपनी जीन जान की मेहनत की कमाई लगा के वो सोचते हैं ममता कुछ बच जाए। ममता की सहेलियाँ उसकी माँ की अनपढ़ता का मजाक उड़ाती हैं, कभी कभी उसके पीठ में स्टिकर भी लगा देती हैं कि ममता की माँ अनपढ़ है, कभी कभी तो बोर्ड में भी लिख देती हैं। ममता को मन ही मन ये सब बहुत कुछ दुखी करता है और वो सोचती है कि भगवान ने उसे एक अनपढ़ परिवार में क्यों जन्म दिया। चलते चलते ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। ममता का क्लास 10 का रिजल्ट आता है। ममता को CBSE बोर्ड में 99% मार्क्स मिलते हैं। ममता रिजल्ट लेके दौड़ के घर आती है और कहती है, पापा पापा देखो मुझे 99% मार्क्स मिले हैं। पापा का चेहरा खुशी से खिल उठता है। पापा जोर से आवाज़ लगाते हैं अपनी वाइफ को, अरे सुनती हो, देखो हमारी ममता को 99% मार्क्स मिले हैं। ममता की माँ को पहले से ही विश्वास था कि ममता को अच्छा रिजल्ट आएगा और वो खीर बनाने की तैयारी पहले से ही घर में कर रही थी। खीर बनाते बनाते जल्दी से साड़ी के पल्लू में अपना हाथ पोंछ के दौड़ के रूम में आती है और अपने पति से कहती है, मैं भी देखूं ममता का रिजल्ट। ममता बोल उठती है, माँ तुम क्या देखोगी, तुम्हें कौन सा पढ़ना आता है। इतना सुनते ही माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो चुपके से वहां से निकल के अपनी रसोई में चली जाती है। अब ममता अच्छी रिजल्ट की पार्टी देने अपनी टू व्हीलर उठा के दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाने की तैयारी करती है। उसके बाद खबर आती है कि ममता का एक्सीडेंट हो गया है और पड़ोसी उसे हॉस्पिटल में भर्ती करके आए हैं। वो ममता की माँ को भी वहाँ लेके आते हैं। डॉक्टर कहता है कि ममता को ब्लड चाहिए और इत्तेफाक से ममता की माँ का ब्लड ममता से मिल जाता है। ममता की माँ ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है और डॉक्टर्स जब उसका ब्लड ले रहे होते हैं, एक टेक्निकल एरर होता है और उस एरर में ममता की माँ का बहुत सारा ब्लड बह जाता है। ममता की माँ का इतना ब्लड बह जाता है कि आखिर में ममता की माँ दम तोड़ देती है। लेकिन ममता धीरे धीरे अपनी माँ का ब्लड लेके अपना होश में आती है और तब तक उसका पिता भी हॉस्पिटल में पहुँच चुका होता है।
उसका पिता ममता के हॉस्पिटल के रूम में घुस के कहता है, ममता तुम्हारी माँ नहीं रही, तुम्हें बहुत अफसोस था ना, तुम्हारी माँ अनपढ़ है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, इसीलिए सारे मोहल्ले के कपड़े आयरन करके तुम्हारा पढ़ाई का खर्चा चलाती थी। अगर पढ़ी लिखी माँ होती ना, वो ऑफिस में जाती, तुम्हें टाइम नहीं देती। तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, इसीलिए उसने सिर्फ तुम्हारे रूम में एसी लगवाया था कि तुम अच्छा सा पढ़ सको, और अपने गर्मी में सोती थी। तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, इसीलिए अपने हाथ से खाना बना के तुम्हें तुम्हारे टिफिन में देती थी, बाजार का पैटिस और बर्गर नहीं। तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, इसीलिए उसने अपना खून दिया। पढ़ी लिखी होती तो उसको पता होता मुझे एनीमिया है और मुझे खून नहीं देना चाहिए। और तुम्हारी माँ अनपढ़ थी ना, इसीलिए तुम्हें ऑर्फन होम से गोद में लेके आई थी, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी माँ होती तो कम से कम उसको इतना पता होता कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है। इतना सुनते ही रूम में सन्नाटा आ जाता है, क्योंकि ममता को पहली बार पता चलता है कि वो उसके अपने माँ बाप नहीं है। ममता फूट के रो उठती है और कहती है, माँ मुझे तो सिर्फ पेपर में 99% आए हैं, तुम तो अपनी जिंदगी के परीक्षा में 100 में 100 ले गई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जितने भी पढ़ लिख जाएं, हम जितने भी सक्सेसफुल हो जाएं, अगर हम भावनाओं को खो बैठे तो हमारा सब कुछ बेकार है। इसलिए मेरे आपके सामने गुजारिश है, आप सक्सेसफुल बनिए, बहुत पैसे कमाइए, लेकिन अपनी भावनाओं को मत छोड़िए। जिस दिन आप अपनी भावनाओं को छोड़ देंगे, उस दिन आप इंसान से जानवर बन जाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास बेल बटन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।